आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। ये दृश्य आप देख रहे हैं मुंबई से गोरखपुर और अन्य शहरों के लिए मजदूरों का बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में ये मजदूर ट्रकों में और बहुत सारे पैदल दिन रात चलने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि सरकार इनको अपने साधन उपलब्ध कराने में फेल रही है और आज इनके अंदर ये असुरक्षा की भावना है कि कैसे रोटी खाएंगे, कहाँ से हम लोगों का अपना रहेगा जीवन। तो इसलिए ये अपने घरों को लौटने के लिए बेताब हैं। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग या कोई भी इस तरह की इनके पास अब ये व्यवस्थाएँ नहीं रहीं। ये पूरी तरह से अपने ही साधन से अपने ही रास्ते से, देखिए लाख हजारों ट्रक इस तरह से ये रास्ते में चल रहे हैं मुंबई से। ये महाराष्ट्र से चले हुए ट्रक हैं जो रोड पर जाम की स्थिति में आ गए हैं और ये अभी मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुके हैं। ऐसे ट्रकों का काफिला महाराष्ट्र से चल रहा है। आपने हमारा अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हम चाहते हैं ऐसी घटनाएँ सब जल्दी से जल्दी रुकें और सरकार इन गरीबों की सुने, क्योंकि ये गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। ये धरना या बहुत सारी ये व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है। रोका जाता है तो वहाँ धरना देने लग जाते हैं। ऐसी ही स्थिति में ये लोग हैं ट्रकों में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के ये महाराष्ट्र से पलायन हो रहा है और ये सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो गरीबों के लिए बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ट्रेन भी ये नहीं चला पा रहे और इनको रोक करके इनको खाना भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इनके लिए जो बनाए गए हैं आश्रय स्थल जहाँ इनको क्वारंटाइन या दूसरी स्थल इस तरह से रोका गया, वहाँ भी ये सब पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए लोग परेशान हैं और अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए हैं। इस तरह की देख करके खबरें इस तरह से देख रहे हैं कि साधन इनको न मिलने से या अपने ही साधनों से महंगे साधन एक एक आदमी तीन तीन चार चार पाँच पाँच हज़ार रुपये घरों से इकट्ठा करके मंगा करके ये चलने को मजबूर हुए हैं और ये सब जा रहे हैं लौट करके अपने प्रदेश।